नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के बेगमगंज के ग्राम पंचायत भवन का ताला तोड़ हजारों का सामान ले उड़े चोर, पुलिस ने मामला दर्ज किया। अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बमोरी टिटोर से है, जहां के ग्राम पंचायत भवन में शनिवार रविवार की रात में अज्ञात चोरों ने पंचायत भवन के तीन ताले तोड़कर पंचायत भवन में लगी एलईडी टीवी, इन्वर्टर, बैटरी, कुर्सियां आदि हजारों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। जब सुबह ग्राम वासियों ने पंचायत भवन के ताले टूटे हुए देखे, तब सरपंच सचिव को सूचना दी। सरपंच सचिव द्वारा घटना की जानकारी सुल्तानगंज पुलिस को दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी जयदीप सिंह भदौरिया पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। मौका मुआयना करने के बाद मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत में क्या घटना हो गई? रात में चोरी हो गई, करीबन 6 बजे से 7 बजे के बीच। तो चोरी में क्या क्या चला गया, किसने चोरी की? चोरी तो अज्ञात लोगों ने की है, पता नहीं चल पाओ कौन ने करी है, मगर चोरी बहुत सामान निकले थे। टी वी 60-70 हज़ार कीमत की, दो बैटरियाँ हैं और एक इन्वर्टर है, और आके पानी की मोटर और कुर्सियाँ वगैरह। रिपोर्ट की थाने में क्या? हाँ, अभी सूचना दी है 2 घंटा पहले। पुलिस पहुँची वहाँ? हाँ, पुलिस पहुँच गई। साहब गए थे तो साहब ने आके फिर बाद में रिपोर्ट करी है। किसी पर संदेह है क्या? नहीं, अब तो संदेह नहीं है। आपको तो सूचना के बाद पता चलेगा होगा।